नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गर्ग और आप देख रहे हैं पेन पॉइंटर। आज हम भारतीय क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी डिस्कस करेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने अपना करियर कैसे शुरू किया और उनके करियर के बीच में क्या क्या संघर्ष आए और उनका करियर का एंड कैसे हुआ। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने अपना जो बल्ला है वो 4 साल में पकड़ा था। उन्होंने 4 साल में ही मैदानों में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। उनको क्रिकेट का जुनून शुरुआती दौर से ही था। वह क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते थे कि लंबे लंबे समय तक वह खाने के बगैर भी रह जाते थे और 10-10 12-12 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस करते थे। उनके पहले जो गुरु थे वो थे सर आचरेकर सर। तो उन्होंने उनको सबसे पहले बल्लेबाजी के गुण बताए और उन्होंने स्टैमिना बिल्डअप किया कि लंबी लंबी पारियाँ कैसे खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर हमेशा से एक कंप्लीट बैट्समैन बनना चाहते थे, ना कोई एक स्लॉगर की जो आखिरी 4-5 ओवर में छक्के मार सकता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है हमारे देश में। अब उनका करियर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अपना करियर कैसे शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 4 साल में एकेडमी ज्वाइन करी। उन्होंने मैदानों में जाके तरह तरह की परफॉर्मेंस दी। मेन जो उनका नाम शुरू हुआ वो हुआ जब वो 11 साल के थे और उन्होंने विनोद कांबली के साथ स्कूल में 1000 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जो कि आज तक बहुत बड़ी लंबी पार्टनरशिप है। वहाँ से उनकी कटिंग आई थी और सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों का नाम बहुत तेज़ बुलंदियों पर था। सचिन तेंदुलकर ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 14 साल की उम्र में ही कर लिया था। उनकी लगातार परफॉर्मेंस के कारण उनको भारतीय टीम में शामिल किया गया। उनका डेब्यू मैच पाकिस्तान के खिलाफ 1989 का था। डेब्यू मैच में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी थी और उन्होंने 4 रन बना के ही आउट हो गए। लेकिन सीरीज़ के आखिरी टेस्ट मैच में, जो कि मुल्तान में था, उन्होंने वहाँ पे अपने टैलेंट की झलक दिखाई और उन्होंने शानदार 50 बना के भारत को मैच ड्रॉ कराया। भारतीय लोगों को और भारतीय टीम को भी विश्वास हुआ कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा प्लेयर है और वह सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले एक लौते खिलाड़ी बन गए, जो कि 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की। फिर वह लगातार अच्छा अच्छा खेलते रहे और 1990 और 1991 में उन्होंने बैटिंग और उनके जो लेग स्पिन थी उनके जौहर दिखाते रहे। इसके कारण उनको इनाम मिला। वो 1992 विश्व कप में भारतीय दल में सिलेक्ट हुए, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे और उनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। सचिन तेंदुलकर की उस वर्ल्ड कप में इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उनकी एक आध मैच में, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 50 मारे थे और 2 विकेटें ली थी, और एक इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने 50 मारे थे। ये 2 पारियाँ छोड़ गई, उन्होंने उनका इतना खास विश्व कप नहीं रहा, लेकिन सब लोगों ने उनको मार्जिन दिया क्योंकि उनका पहला विश्व कप था। असल में वो विश्व कप भारत के लिए खास नहीं रहा क्योंकि भारत सिर्फ 3 या 4 टीमों को हरा पाया 10 टीमों में और वो पहली राउंड से बाहर हो गया था। फिर उन्होंने स्टार्टिंग में सचिन तेंदुलकर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करते थे तो उनको ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाता था वनडे क्रिकेट में। लेकिन उनका जो करियर टर्निंग पॉइंट आया वो है 1994 में, जब नवजोत सिद्धू उनको इंजरी हुई मैच से पहले और सचिन को ओपन कराया। वहाँ पे उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी और सचिन ने अपना टैलेंट फिर से साबित करवाया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद से उन्होंने हर मैच में वनडे क्रिकेट में ओपन की और 96 वर्ल्ड कप में तो वो एक अजाब बन गए थे दूसरी टीमों के लिए। उन्होंने हर मैच में इतना धोया कि बहुत ही मुश्किल हो गया था दूसरी टीम को उनको आउट करने का। लेकिन 96 में सबसे बड़ी कमजोरी भारतीय टीम की ये थी कि वो पूरी डिपेंडेंट थी सचिन पे, तो वो सचिन जैसे ही आउट होते थे टीम हार जाती थी। उन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम को सेमीफाइनल तक तो पहुंचाया, लेकिन सेमीफाइनल में 100 रन पे 1 आउट था और 250 चेस करने थे और जैसे ही वो आउट हुए पूरी टीम 120 पे 8 आउट हो गया था। दंगे की वजह से मैच को रोकना पड़ा, लेकिन सचिन ने यह दिखा दिया था कि वो प्लेयर बहुत बड़े हैं, बस उनको साथ नहीं मिलता। अगर उनको अच्छे अच्छे और खिलाड़ी 2-3 मिल जाए तो भारतीय टीम को ज़्यादा मैच जिता सकते हैं। फिर उनके शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस के कारण उनको 1997 में
कप्तानी दी गई, अजहरुद्दीन से छीन के उनको कप्तानी दी गई। एक कामयाबी थी सचिन तेंदुलकर के लिए, लेकिन उनकी कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। 1997 से 1998 के बीच उन्होंने लगातार 6 सीरीज भारतीय टीम की कप्तानी में हार गई, लेकिन उसके बाद फिर से अजहरुद्दीन को कैप्टनशिप दी गई। 1999 वर्ल्ड कप में भी सचिन का एकलौता जौहर चलता रहा पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन भारतीय टीम अच्छा नहीं कर पाई। फिर आता है भारतीय टीम का दौर जब 2000 में, जब मैच फिक्सिंग का दौर था। फिर सौरभ गांगुली के आने से और राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के आने से भारतीय टीम मजबूत हुई और सचिन को साथी मिलने लग गए। इसके कारण भारतीय टीम 2000 के बाद ज़्यादा मैचेस जीतना शुरू कर गई और 2003 विश्व कप में उन्होंने सर्वाधिक स्कोर 692 रन पूरे टूर्नामेंट में बनाया और भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीतना बहुत इम्पॉसिबल था। उसके बाद आता है दौर राहुल द्रविड़ का। उन्होंने सचिन तेंदुलकर एक लौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने खुद भी कैप्टनसी करी और हर जूनियर और सीनियर प्लेयर के अंडर वो खेले भी। उन्होंने अजहरुद्दीन, कपिल देव, गांगुली और अब राहुल द्रविड़। 2005 में जब ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ का दौर आया तो उन्होंने फिर नंबर 4 पे बैटिंग करना शुरू किया, जो कि फिर बहुत भारतीय टीम को डेंट दिया और 2007 विश्व कप में इसका भुगतान भारतीय टीम को सहना पड़ा कि वो पहली राउंड से बाहर होगी। फिर पूरा सेटअप यंग गन्स का आया और सचिन एकलौते सीनियर प्लेयर रह गए टीम में। सचिन के साथ कोई एक और एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन धोनी जैसा कप्तान आया जिसके कारण उनको अच्छा सपोर्ट मिला। और वो भी उन्होंने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने यह कहा था कि धोनी सबसे बेस्ट कैप्टन है जिसके अंडर वो खेले हैं। उसका नतीजा ये निकला कि धोनी ने इतना अच्छा कोर बनाया कि 2011 विश्व कप भारतीय टीम जीत गई और उनका जो आखिरी विश्व कप था सचिन का, उसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल करी और वो भी विश्व चैम्पियन कहलाए गए। फिर आता है उनका करियर का इख्तिताम, जो कि 2013 में उन्होंने आखिरी टेस्ट, जो कि उनका 200वां टेस्ट था, अपने होम ग्राउंड मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में खेला, जहां पे उन्होंने 80 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वो शतक नहीं मार पाए जिसके कारण भारतीय फैंस बहुत मायूस हुए। लेकिन उनका इतना 24 साल लंबा करियर के वजह से उन्होंने भारतीय टीम को बहुत उपलब्धियां करवाई और भारतीय क्रिकेट में नई जान फूंकी। सुनील गावस्कर के बाद एक सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम साबित हुआ और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज भी अनब्रेकेबल हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जैसे 51 टेस्ट सेंचुरी, जो आज तक किसी ने नहीं छुई, वनडे में भी 49 शतक, जो कि आज तक किसी ने नहीं छुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कवरेज अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आप देखते रहें पेन पॉइंटर्स।